हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शालीनता के प्रति काम में विश्वास रखने वाले ऐसे व्यक्ति, झूठ बोलना जिनकी आदत में नहीं, ऐसी महान विभूति माननीय श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा जी आज हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनका बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, ये तो बहुत पहले ये कार्यक्रम हो जाना चाहिए था जिस दिन ये मंत्री बने, लेकिन मेरा सौभाग्य, हमारा सौभाग्य क्या देखो आज कि आज कल रात को ये पालक मंत्री भी बने हैं। उपनगर के पालक कुछ ना कुछ तो तोहफा कल भी मिल गया हमारे को। भाइयों, मैं और प्रकाश जी भाई साहब के साथ में मिला था, मैंने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि भाई सर अपने प्रोग्राम आपका एक राजस्थानी समाज का 36 कौम का सामान्य लोग का, ठीक है धंधा सेठ वो रहते वो ठीक है, लेकिन मध्यम क्लास व्यापार क्लास जो एक मैसेज देने वाले वो कार्यकर्ता आपका स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं, अपनी खुशी व्यक्त करना चाहते हैं। तो मंगल जी ने कहा कि आप कार्यक्रम जब रखो, रखना चाहो रखो, लेकिन एक बार छोटे पैमाने पर रखना। तब हमने तय किया कि हम जागरूकता कार्यालय में इस कार्यक्रम को रखा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यही कार्यक्रम मेरे को मंगल जी ने अनुमति दी होती तो आज कम से कम 10,000 लोगों की संख्या होती उस कार्यक्रम के अंदर, 10,000 लोगों की संख्या होती। अब रही बात ये कि आज हम जिस व्यक्ति का, जिस विभूति का स्वागत करने आए इकट्ठे हुए, मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे इस कार्यालय में एक प्रचारक के पूजा करने के बाद अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति पहले आए हैं तो श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी बता रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मंगल प्रभात जी लोढ़ा का मेरे राजनीतिक नेता के तौर पर और मेरे पिता तुल्य, मैं उनका वर्षों से दिल से प्यार करता हूं, मैं उनको आपको बताया था, मैं उनको मेरा कोई स्वार्थ नहीं होता है। अब रही बात ये कि मंगल प्रभात जी का स्वागत करेंगे, अरे स्वागत भी यादगार होना चाहिए कि भी स्वागत को यादगार कैसे बनाया जाए। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन का एक सप्ताह चल रहा था तो हम मिले, और मिलने के तुरंत बाद सबसे पहले मैंने घर से शुरुआत करी, मेरे परिचय भाई साहब नारायण जी पुरोहित जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला सिरोही के माध्यम से, जागरूक गो सेवा संस्थान के माध्यम से, और उसका सारा खर्च सारा व्यय वो केवल मेरा परिवार उठाएगा, ऐसे करके 1,00,000 लड्डू इसकी औसतन 17 लाख रुपए की कीमत आएगी, और लंपी ग्रस्त गायों के लिए अभियान शुरू किया। जिस दिन मंगल प्रभात जी ने हाँ भरी उसी दिन जाकर के हमने राजस्थान में इस कार्यक्रम को, इस अभियान को इसके साथ में जोड़ा। आज मैं ये घोषणा करके ये आपके सामने कहकर अति प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि हमने केवल स्वागत नहीं किया और मंगल जी के साथ रहना है ना तो आपको ईमानदारी से, सही तरीके से, सच्चे दिल से काम करना पड़ेगा। आज ये इतने लोग जो एक शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आते हैं, कहीं ना कम हम लोग ईमानदारी से हमारा एक दूसरे का साथ निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मंत्री जी बन गए, आज प्रभारी मंत्री बन गए इसके लिए हम आए, नहीं, ये तो केवल और मंगल जी का और हमारा प्यार और स्नेह है। तो भाइयों, ये इस तरह से हमने ये सेवा के माध्यम से आज मंगल जी का स्वागत की शुरुआत करी। अब दूसरी बात पे आता हूं, फिर हमने एक जागरूक टाइम्स के माध्यम से एक गौशाला मैंने शुरू करने का 4 साल पहले निर्णय किया तो उसमें भी मंगल जी के माध्यम से आज माध्यम मंगल जी ही बन रहे हैं। आप ताज्जुब करोगे कि किसी को मैंने नहीं कहा कि 1 रुपया लिखना, और ना कहूंगा अभी कि आप इस गौशाला के अंदर अनुदान दो। सर, आपको बता देना चाहता हूं, लोगों ने दिल खोल करके करीबन 2 करोड़ रुपया आज इकट्ठा हुआ इस मंगल जी के स्वागत में। जागरूक गौशाला संस्थान को
और उधर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे 57-58 की उम्र है, 60 साल के बाद 4 साल से ये अभियान को शुरू किया और आज ये मंगल जी में इस गौशाला के लिए इस मंगल जी का जो अभिनंदन है वो इस अभिनंदन को जिस तरीके से आज सपोर्ट मिला है, जो सहायता मिली है वो यादगार है। और इस गौ माता का आज इस गौ माता को आज जरूरत थी उनके निराश्रित गौशालाओं की, गौ माताओं की, निराश्रित गौ माताओं की। मैं आज गौतम मंगल जी के इस स्वागत भाषण में आपको बात और कहना चाहता हूँ। आप अपने अपने गांव में, आप अपने अपने आखरिया में, आप अपने अपने नजदीक की कमजोर गौशालाओं में अपने उन गायों के लिए कुछ ना कुछ इस लंबी के कार्यक्रम में सहभागी बने, सहयोग दें और अपना जो इच्छाशक्ति भले 500 रुपया हो लेकिन उसके लिए आपको सहयोग करना चाहिए। माननीय दत्त सरनानंद जी महाराज ने जो अभियान चलाया है ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है, हम उनको प्रेरणा मानते हैं। लेकिन आज ये आज जो गायों का काम हुआ है उसमें माननीय मंगल प्रभात जी लोढ़ा का अभिनंदन समारोह एक ऐतिहासिक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि इस लंबी के बीमारी के दौरान हमारे भाइयों ने एक इतिहास रचा कि 2 करोड़ रुपया प्लस 1 लाख लड्डू, ये तो सामान्य बात है। लेकिन अब इस आप देख लेना, ये अभियान और बढ़ेगा। मैंने और भी कहा है कि जो व्यक्ति जो अपने गांव और आखरिया में सहायता करेगा उसका फोटोग्राफ में ऑल एडिशन जालौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, सिरोही, मुंबई सब जगह फ्री ऑफ कॉस्ट छापूंगा कि मैंने ये वहां काम किया, आप मेरे को फोटो भिजवा देना और उसका मैं फोटो निःशुल्क छापूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा, जैसे आपको विज्ञापन लगे वैसा ही उसका करेंगे। अब मैं बिना किसी बात के, बिना किसी भूमिका से कोई एक्स्ट्रा बात मैं कोई करना नहीं चाहूंगा। भाइयों आप लोगों को कभी सुख दुख में, आपको अपने परिवार वालों को अपने किसी के कुछ समस्या मुंबई में आए, आप मेरे से भी या अपने सभी कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं, उनके सुख दुख में मंगल जी का हमेशा सहयोग मिलेगा, हमेशा सहारा मिलेगा, ये सब मेरा पूर्ण विश्वास है। अब मैं मंगल जी हमेशा अपने आप में एक व्यक्तित्व है, वो हमेशा वो चाहते हैं उनको एक अवसर मिला है। आज मंगल जी को मंत्री पद के लिए बहुत छोटा है, मानते हैं आप? मंगल जी के लिए मंत्री पद बहुत छोटा है, मंत्री बनना उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन सेवा का भाव है कि मैं सेवा करूं कुछ लोगों की, कि सब यही रहने वाला है, तो आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो पूर्ण रूप से इस बार इस मंत्री पद पर बनकर के सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं। कि मंत्री मंगल जी मंत्री बने हैं ना, तो इतिहास में लोग याद रखेंगे कि हम राजस्थानी समाज का एक व्यक्ति ऐसा मंत्री बनाया था कि जो हमारे समाज के लिए हर समय सुख दुख में काम आया है। जो इस बात को आप मेरे पर विश्वास है, जोरदार तालियों से इस बात का मेरा समर्थन कीजिए। भाइयों कई मंत्री आते हैं, कई मंत्री जाते हैं, मैंने तो कई देखा है, मंत्रियों के बीच में रहता हूं, लेकिन विश्वास करने लायक जो अपने को केवल सेवा का भाव मानने वाले व्यक्ति तो बहुत कम होते हैं और उनमें से हमारे को मंगल प्रभात लोढ़ा जी है उसमें से। आप विश्वास करना, मुंबई के अलावा महाराष्ट्र का हर राजस्थानी व्यक्ति और राजस्थान में रहने वाला हर व्यक्ति आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कैसे महसूस कर रहा है? कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय डीसीएम श्री देवेंद्र जी फडणवीस ने जो विश्वास मंगल जी के ऊपर रखा और उनको मंत्री बनाया, आज उनका विश्वास पूर्ण होगा और हमारा राजस्थानी समाज उस विश्वास को कभी भंग नहीं करेगा और मंगल प्रभात लोढ़ा जी को कभी कमजोर नहीं होने देगा। अगर आप मेरी मंगल जी की एक आवाज पर, मैं आप मेरे को पूर्ण विश्वास है, अरे आप देख लो इनकी जीत मलवारा हिल में चुनाव में लगातार बढ़ती जाती है, उम्मीदवार भी मिलता है। मैं किसी मित्र का नाम ले लूंगा उसको, लेकिन क्या उनको ढूंढना पड़ता है कि किसी को तो निर्विरोध भी हो जाए, ये विषय स्थिति है। कारण क्या है ये बताओ ना, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। एक और बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे बता रहा हूँ, बताना चाहता हूँ, मैंने ये अखबार शुरू किया था तो माननीय प्रकाश सार्वजनिक घोषणा करता हूँ, मैं उनके सामने भी कहता हूँ, मेरे को प्रकाश जी भाई साहब ने जब इसका जो उद्घाटन किया 2004 में तो कहा था
कि कभी तुम गलत काम करोगे, तुम ब्लैकमेलिंग करोगे तो मैं तुम्हारे उद्घाटन में नहीं आऊंगा। मैं आज उनको 18 साल के बाद में भी मैं उनके विश्वास पे खरा उतरा हूँ और मेरे ऊपर वो पूर्ण विश्वास रखते हैं। वैसा का वैसा माननीय मंगल प्रभात जी लोढ़ा का प्यार मुझे मिला है। पर मंगल प्रभात लोढ़ा जी मेरे को, मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे दिल से प्यार करते हैं, पूरे राजस्थानी समाज को दिल से प्यार करते हैं। आप उनके समान तरफ में जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। तो मेरी बात को यह पूर्ण करता हूँ। और जो 2 करोड़ रुपए का जो सेवा अभियान आया हो, जितेंद्र जी जैन बाद में बताएंगे, क्यों बताना भी जरूरी है कि खाली बातें करें। आप साल के बाद, 2 साल के बाद आपको बताना, मैं बताऊंगा कि ये क्या क्या कितना खर्चा हुआ। और 1 लाख लड्डू का मैं हिसाब सार्वजनिक रूप में दूंगा कि मैंने खाली बड़ी बड़ी बातें नहीं करी। मैंने जहां जहां लड्डू की चाबी दिए बांटे, मैंने जिस 2 साल में लड्डू लड्डू बांटे वो सारी चीजें। और मैं आज मंगल प्रभात लोढ़ा जी के सामने साक्षी मान करके सारी बातें कर रहा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो मंगल प्रभात लोढ़ा जी को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बनाया गया है, इसके लिए पूरा राजस्थानी समाज, पूरा राजस्थान में हो, महाराष्ट्र में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, पूरे देश में आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आप हर्ष की लहर है, पूरा प्रसन्न माहौल है भाइयों। और ऐसे व्यक्तित्वों को आज जो मंत्री बना करके एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय देवेंद्र जी का हम पूरे राजस्थानी समाज पूरे दिल से अभिनंदित करते हैं। बहुत जोरदार से उनके तालियों से उनका अभिवादन कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।